भारत के सबसे तेज राइजिंग बैट्समैन में से एक, जिन्हें इंडियन क्रिकेट टीम का नेक्स्ट बिग थिंग भी कहा जाता है, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन शुभमन गिल की, जिन्होंने बहुत कम उम्र में वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। ये दाएं हाथ के बैट्समैन घरेलू क्रिकेट में पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, वही आईपीएल में ये गुजरात टाइटंस की टीम की कैप्टेंसी कर रहे हैं। 24 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपनी काबिलियत के दम पर इंडियन क्रिकेट टीम में अपनी एक मजबूत जगह बना ली है। आपको बता दें, शुभमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 में पंजाब के फाजिल्का में हुआ था। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट था। उनके पिता भी एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपने बजाय शुभमन को एक अच्छा क्रिकेटर बनाएंगे। अगर हम बात करें उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की, तो उन्होंने मात्र 12वीं तक ही पढ़ाई की है। शुभमन जब 8 साल के थे, तब उनके पिता उनको लेकर मोहाली शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने काफी कम एज में अपना घर छोड़ दिया था सिर्फ क्रिकेट के लिए। मोहाली में उनके पिता ने उन्हें एक क्रिकेट एकेडमी में भर्ती करवाया था। अगर उनके पिता की नेचर की बात करें, तो वो काफी स्ट्रिक्ट थे शुभमन के क्रिकेट करियर को लेकर। शुभमन गिल ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस के दम पर पंजाब की अंडर 16 टीम के अंदर अपनी जगह बना ली थी, और उसके बाद वो पंजाब की अंडर 19 टीम के लिए भी सेलेक्ट हो गए थे। 2018 में उन्हें आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की टीम का वाइस कैप्टन भी बनाया गया था, जिसमें वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुने गए थे। अगर हम बात करें उनके आईपीएल डेब्यू की, तो उनका आईपीएल में डेब्यू साल 2018 में हुआ था, और तब वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए खेलते थे। 2022 में गुजरात टाइटंस की टीम ने ऑक्शंस के दौरान उन्हें 8 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। आपको बता दें, उन्होंने आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे और ऑरेंज कैप को अपने नाम किया था। अगर हम बात करें शुभमन गिल के ओडीआई डेब्यू की, तो उनका ओडीआई में डेब्यू 31 जनवरी 2019 में हुआ था। उनका ओडीआई में डेब्यू अच्छा नहीं रहा था, वो 2 मैचेस में फेल हो गए थे, जिस वजह से उन्हें ड्रॉप किया गया था, क्योंकि उन्हें शिखर धवन को रिप्लेस करना था, और शिखर धवन जैसे दिग्गज खिलाड़ी को रिप्लेस करना कोई आम बात नहीं है। अगर हम बात करें शुभमन गिल की टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू, तो उनका टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू 26 दिसंबर 2020 में हुआ था, और उनका T20 क्रिकेट में डेब्यू 3 जनवरी 2023 में हुआ था। ओडीआई क्रिकेट में तो शुभमन गिल ने अपनी जगह पक्की कर ली है, लेकिन T20 और टेस्ट क्रिकेट में अभी उनकी जगह पक्की नहीं हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ओडीआई की तरह वो टेस्ट और T20 में भी अपनी जगह पक्की कर ले, और टीम इंडिया को आगे मैचेस जितवाते हुए नजर आए। आपको क्या लगता है, गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल 2024 की ट्रॉफी जीत सकती है या नहीं? बताएं अपना ओपिनियन स्पोर्ट्स बाजी के स्टैट्स प्रो पर। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन आवर बायो। यूज कोड TBC200 टू गेट अ फ्री मेगा लीग टिकट नाउ।